1/4 कप बेसन ले रहे हैं, अगर 1/4 कप बेसन है तो उसका 3 गुना हम छाछ लेंगे, ये हो गया 1/4 को 3 गुना छाछ लेंगे और ये हो जाएगा 3/4 कप, ठीक है। 1/4 बेसन के साथ में उसका 3 गुना छाछ, और हम इसमें लेमन डालेंगे या फिर आप इसकी जगह सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, खटाई के लिए 1 लेमन चला जाएगा। और साथ में इसमें जाएगा ऑयल 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून, और चीनी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। अगर आप मीठा या खट्टा कुछ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग भी ऐड करेंगे, फिलिंग के लिए मैं कोकोनट पाउडर या फ्रेश कोकोनट ले सकते हैं, मैं 2 टेबल स्पून लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, ये हम दोनों चीज़ें फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम इन चार पाँच इंग्रेडिएंट्स को मिला के, 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स को मिला के पहले हम खांडवी के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं छाछ, 3/4 कप छाछ आ गई, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं बेसन और उसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल 1 टेबल स्पून, नमक डाल देते हैं इसके अंदर हम 1 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून हमने पहले से करके मेजर करके रखी हुई है, और इसको वापस से मिक्स कर देते हैं, और फिर हम साथ में इसमें डाल देंगे, इसको कंटिन्यू स्टर करना है, इसलिए पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, लेमन भी डाल देते हैं, कटाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको कंटिन्यू स्टर करके हमें चलाना है, क्योंकि ये चिपकेगा, थोड़ा सा बेसन है जल्दी से चिपकता है। इसको हम कंटिन्यू स्टर करेंगे, हल्का सा किनारा छोड़ने तक ये रेडी हो जाएगा, गाढ़ा होने लग गया है ये, बहुत ज़्यादा फ्लेम पे नहीं किया हुआ मैंने, देखिए अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो बहुत जल्दी लम्स पड़ने के चांस रहते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा तेज आँच पे नहीं करना है इसको। कम क्वांटिटी में 1/4 कप है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो जल्दी से रेडी हो जाएगा ये, देखिए गाढ़ा होता जा रहा है ये, बस हल्का सा किनारे जैसे छूटना शुरू हो जाएगा तो सिकाई कंप्लीट हो जाएगी, तभी ये आराम से आपका निकल के प्लेटफॉर्म जैसे जहाँ पे भी आप इसको बिछाएंगे खांडवी, तभी अच्छे से सिकाई अच्छे से होगी, तो ही ये अलग से आपकी निकल के आएगी, नहीं तो ये चिपकी रहेगी। हल्का हल्का किनारा छूटना शुरू हो गया, ये देखिए, तो बस ये होने ही वाली है। ये देखिए किनारा छूट गया है, ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। ये देखिए इसका किनारा कितने अच्छे से छूट गया है, तो मैं इसको बंद करती हूँ और इसको स्प्रेड करने की तैयारी करते हैं। चलिए इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ, आप जहाँ अगर चाहे तो पॉलिथीन पे और चाहे तो प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उस पे आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और कॉर्नर अच्छे से राउंड वाली कटोरी ले लीजिए और उससे इसको स्प्रेड करिए। ये रिवर्स में जाना थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा, हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है, थोड़ी सी पतली लेयर, और जल्दी जल्दी करना है नहीं तो ये जमता जाता है जल्दी से। सिकाई प्रॉपर होगी तो ये आराम से निकल के आ जाएगा, देखिए जमना भी शुरू हो चुका है ये। चलिए सेट हो चुका है, अब हम इसके अंदर फिलिंग के लिए मैंने कोकोनट पाउडर और इसमें धनिया ऐड कर दिया है,
और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चलिए इसमें मैं स्प्रेड कर देती हूँ फटाफट फिलिंग। आप अगर आप हरी चटनी अप्लाई करना चाहें तो पहले हरी चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पुदीने या धनिया की चटनी है तो उससे और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जी देखिए हमने इस पर फटाफट स्प्रेड कर दिया है, अब ये बिल्कुल 5 मिनट में ही पूरी सेट हो जाती है। तो आप इसको अब स्लाइस थोड़े से स्ट्रिप्स में कटिंग कर देती हूँ मैं। हल्का सा किनारा छूटते ही इसको आप फटाफट स्प्रेड कीजिएगा, अगर किनारा छूट गया है उसके बाद सिकाई करेंगे तो उसी में सेट होके रह जाएगा, आप स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अब हम इसको फटाफट छोटा बिल्कुल पतला बनाए और अच्छे से इसको रैप करेंगे। रोल थोड़ा छोटा बनाना है, बड़ा बड़ा रोल नहीं करना है, कारपेट रोल। देखिए आराम से छूट रहा है ये और एकदम शाइनिंग वाला बना है। ये देखिए हमारा एकदम अच्छी सी लेयर भी बन गई है। इसको मैं सेपरेट करती जाती हूँ वापस से और हम करते हैं 1/4 कप में हमारी 6 से 7 खांड भी तैयार हो जाती है और बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको रेडी होने में। चलिए अभी हमने इसको रोल्स तो हमने खांडवी के बना लिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा छौंक दूंगी। इसमें 1 टीस्पून राई और 2 तोड़ की मिर्चें और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी, और मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल गरम करके रखा है 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कर रहे हैं हम, इसलिए हल्का सा पैन गरम किया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है राई और साबुत लाल मिर्च, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालती हूँ पानी। बस हम सौंफ इसके ऊपर से फटाफट डाल देते हैं।